अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब फजल खुदा खैरियत होंगे। अनबॉक्सिंग सीरीज की कोर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इससे पहले कि हम आज की अनबॉक्सिंग शुरू करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जी दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जीपास के स्टिक एंड हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर की। मॉडल नंबर है GVC2596, 600 वाट की पावरफुल कॉपर मोटर के साथ है। चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, आज हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए है जीपास का स्टिक एंड हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर। मॉडल नंबर है GVC2596, है यू मैस अप आई क्लीन अप और 2-in-1 है, हिपा फिल्टर्स के साथ हैं, लो नॉइस डिज़ाइंड है, 600 वाट की पावरफुल कॉपर मोटर के साथ है, 2 ईयर वारंटी के साथ है और SGS ISO 9000:2015 सर्टिफाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और अपने इस डिवाइस को खोल के देखते हैं कि अंदर से लुक कैसी है और ये डिवाइस कैसी है। जी दोस्तों, ये है जीपास का वारंटी कार्ड, ये इसका मैनुअल। मॉडल हमारा GVC2596, www.geepas.com, वेस्टर्न इंटरनेशनल LLC, स्टिक एंड हैंडल वैक्यूम क्लीनर। इसकी यूजेज के बारे में दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके मेन पार्ट्स को देख लेते हैं दोस्तों। फ्लोर ब्रश, कनेक्टिंग फ्यूज असेंबली, पावर कार्ड। हमारे पास इसके अलावा भी दो एक्सटेंशन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जैसे सोफे की सफाई करनी है, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा ब्रश है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम इसी तरह असेंबली के आगे लगा के, और ब्रश वाला बड़ा वाला ब्रश हटा के ये लगा लें दोनों, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं सोफों की सफाई के लिए। ये हमारे पास इसका हिपा फिल्टर है। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये होगा डस्ट कलेक्शन बॉक्स। इसमें डस्ट जो भी होगी वो सारी इसके अंदर आएगी। खूबसूरत फिनिशिंग है दोस्तों जीपास की, इस स्टिक एंड हैंडल वैक्यूम क्लीनर की खूबसूरत फिनिशिंग है। ये इसकी ना केबल आ गई, ये मेन बॉडी है, इसके अंदर मोटर फिट है, 600 वाट की कॉपर मोटर है जो इसके अंदर फिट है। जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है, इसकी फाइनल शेप कुछ ऐसी हो जाएगी जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं। पावरफुल मोटर है इसकी, ये हालांकि कारपेट साफ होने के बावजूद आपको डस्ट नज़र आ रही होगी जो इसने खींच के इसके अंदर जमा कर दी है। इसको साफ करना भी नहायत आसान है, आपने जस्ट इसको अलग करना है और इसको खाली कर दें। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।